मैं निर्मल बाइक रिपेयर दोस्तों, जैसा कि हीरो की मैंने स्कूटी खोली हुई थी पिस्टन रिपेयरिंग के लिए दोस्तों, जो सीज गाड़ी मारी हुई थी दोस्तों, मैंने ये गाड़ी का तीसरा पार्ट है जिसमें आपको क्लच शू की रिपेयरिंग के बारे में बताता हूँ कैसे ठीक किया जाता है। और दोस्तों इसमें जो गाड़ी झटके मारती जैसे वाइब्रेशन होती गाड़ी, ये किस कारण होती है इसके बारे में बताऊँगा दोस्तों। और जैसा कि आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दोस्तों ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए जैसे मैं आपको जैसे भी वीडियो में आपको दिखाता रहूँ। और दोस्तों इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक ट्रिक है ज़रूर देखिए। जय हिंद। और वीडियो शुरू करता हूँ दोस्तों, जैसे कि ये एमेस्ट्रो का इंजन है जिसमें पिस्टन काम मैंने किया है। और दोस्तों इसमें अब क्लच शू कैसे फिट किए जाते हैं वो आपको मैं इसकी विधि बताऊँगा। जैसे कि दोस्तों ये बेल्ट थी आपकी, इसमें कुछ ये कटापन आ गया, ये कटापन आने से वाइब्रेशन होती है गाड़ी, तो ये चीज़ ध्यान रखें आप। कभी भी आप क्लच का काम करवाएं तो ये चीज़ चेंज करवा दीजिए। ये न्यू है, इसकी MRP 235 रुपये है, मगर ये 200 रुपीज़ की आई हुई है, जेन्युइन है। और दोस्तों इसमें इंजन ऑयल हम मोटल का इस्तेमाल करेंगे, ये बढ़िया क्वालिटी है, सबसे बेस्ट। अच्छा दोस्तों, हम वीडियो चालू करने से पहले आपको मैं ये चीज़ें दिखाता हूँ कैसे फिट किए जाते हैं। दोस्तों ये न्यू बेल्ट है आपकी, दोस्तों मैंने इसका एक अलग से काम किया है, जब गाड़ी आप चलाते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है दोस्तों, ये रबड़े होती हैं, ये रबड़े मैंने न्यू डाल दिए। कभी भी आपकी गाड़ी में कट कट की आवाज़ आए तो ये चीज़ें चेंज कर दीजिए जिससे आपकी आवाज़ सही हो जाए। इसको इस तरीके से लगाना है। और दोस्तों इसमें मैंने ग्रीस, दोनों बेरिंग में ग्रीस डाल दी है और इसमें रेगमन मार दिया है जिससे ये पकड़ बड़ी रहे। इस तरीके से हमने दोस्तों ये इस तरीके से सेटिंग आती है, ये हमने सेल्फ की करारी होती है वाली, ये लगाने से पहले आप सेल्फ की करारी है जो रिले काम करती हैं सेल्फ, ये सिम लगी हुई है, ये हमने इस तरीके से फिट कर दी यहाँ पर। और ये चीज़ हमें इस तरीके से आएगा, ये किक का रचड़ होता है जो किक में इस्तेमाल होता है, अगर इसके दांते कट जाएं तो किक लगती नहीं ढंग से। दोस्तों कटते समय हल्की चोट मार लें जिससे ये फिट बैठ जाए। यहाँ से नहीं आ रहा तो हम बेल्ट को थोड़ी संदर कर सकते हैं इस तरीके से, जिससे हमारी गरारी और अंदर हो जाए। आप देख सकते हैं अंदर हो गया, रिचड़ आराम से फिट हो चुका हमारा। इसको अंदर से दबाने से ये बेल्ट लूज हो जाती है जिससे हमारा ये नट सही तरीके से लग जाता है। दोस्तों ये काम तो यहाँ से रेडी है, नट ऐड करना है। दोस्तों ये इसका ड्रम होता है, जैसे हमारे ब्रेक शू पकड़ करते हैं ये क्लच पकड़ करता है, तो इसमें मैंने रेगमर मार दिया है चिकनाइट की, पहले थोड़ा खुतरापन करती है, हमें इसको इस तरीके से लगाना है।
ये दोस्तों सीमेंस की, दोस्तों ये इस तरीके से सेट होता है। कभी भी आप खोलो तो इस चीज़ को ध्यान रखें कैसे क्या करना है, और कुछ मैं अपने हाथ से टाइट कर देता हूँ एक बारी। कभी कभी मशीन भी धोखा दे जाती है। इसमें लगा सकते हैं या गोटी हम इसमें लगा सकते हैं। हम इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे रोकने के लिए। दोस्तों इसमें थोड़ा सा गैस लगाते हैं या ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे सूखा पड़ना है। ये चैम्बर का पहले से मैंने ये ऑयल डाला जो भी होता है यहाँ पे। दोस्तों ये गाड़ी यहाँ से कंप्लीट है। अब इसको मैं गाड़ी को स्टार्ट करके का साउंड सुनाऊंगा आपको मैं। अब कुछ ज़्यादा काम नहीं है, खाली कवर लगाने हैं मैंने इसके, और ऐसा कोई काम नहीं है। दोस्तों पार्ट थ्री देखना आप, इसमें जो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी दोस्तों, मैं निर्मल बाइक रिपेयर। दोस्तों जैसे कि मैंने जो गाड़ी है मैस्ट्रो खोली हुई थी हीरो की, मैंने गाड़ी फिट कर चुका हूँ। आपके सामने देख सकते हैं गाड़ी का साउंड बढ़िया है और कोई स्मोकिंग नहीं है। साउंड एकदम कोई स्मोकिंग नहीं है दोस्तों, फर्स्ट क्लास है। हॉर्न लाइट सब कुछ, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ ओके कर दिए हैं दोस्तों। और दोस्तों जो मैंने क्लच फिट किया था उसका वाइब्रेशन के बारे में बताऊंगा। देखिए कोई वाइब्रेशन नहीं इसके अंदर, जो मैं क्लच फिट किए थे। अगर वाइब्रेशन होती तो गाड़ी कंपन जलती, जैसे रुक रुक कर, कोई कंपन नहीं है गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मैं आपको वीडियो दिखा सकूं। गाड़ी आपके सामने ही है। जय हिंद।